वालेकुम व्यूअर्स कैसे हैं आप सब इंशाल्लाह ठीक होंगे अल्लाह पाक आपको अपने हिफ़ो मान में रखे आपके खानों में आपके ज़ायक़ों में आपके दस्तरखान में और आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए आज मैं मटन बनाने लगी हूँ तो चले शुरू करते हैं रहीम दो किलो मैंने मटन लिया है उसको अच्छी तरह साफ करके उसको प्रेशर के अंदर डाल दिया है और उसमें तकरीबन आधा किलो प्याज काट के मोटे मोटे स्लाइस में मैंने काट लिया है दो पोथी लहसन की वो डाल दी है और एक इंच का अदरक का टुकड़ा उसको मैंने पेस्ट बना के साथ में शामिल कर दिया है एक गिलास पानी एक से डेढ़ गिलास पानी डालूंगी क्योंकि गोश्त को धोया था और उसके अंदर भी पानी है इसलिए पानी का इस्तेमाल जो मैं पूरा पूरा ही करूँगी एक चम्मच नमक एक चम्मच चिली फ्लेक्स एक चम्मच रेड मिर्च आधी चम्मच हल्दी इन तमाम मसालों को डाल के मैं इसको विसल दूंगी आधा किलो तकरीबन इसके अंदर मैंने टमाटर शामिल किए हैं काट के एक पहली घी की इसके अंदर शामिल करके अब मैं इसको विसल दूंगी विसल दे के अब मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया है और अब मैं इसको फ्राई करूंगी जैसे ही पानी खुश्क होगा साथ साथ मैं इसको फ्राई करती जाऊंगी गोश्त जो है वो हमारा तकरीबन नाइन्टी परसेंट इसको मैंने गलाया है इससे ज़्यादा नहीं क्योंकि इसमें अभी मैंने दही भी शामिल करना है और ऐसे-ऐसे इसको पकाना है इसलिए मैंने इसको फुल डन नहीं किया अब थोड़ा सा पानी अगर ड्राई होता है तो उसके बाद मैं इसके अंदर दही शामिल करूँगी एक प्याली दही की मैंने फैंट के एक साइड पर रखी है पानी काफ़ी हद तक हमारा कम हो गया इसके अंदर एक प्याली दही मैंने फैन के जो रखा हुआ था इसके अंदर शामिल कर दिया अब मैं जो बाकी गोश्त में हल्की सी जो कसर रह गई है गलने में वो इसके अंदर ही पूरी होगी साथ में एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करूँगी दो किलो मेरे पास मटन है लेकिन मैं मसाले बहुत ज़्यादा तेज़ इस्तेमाल नहीं कर रही मुनासब मकदार में ही इनका जो है वो इस्तेमाल करूँगी ताकि ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना बने दही हमारा इसके अंदर बिल्कुल खुश्क हो गया है अब ये फ्राई होने के बिल्कुल करीब है और जो गोश्त है वो भी तकरीबन फुल डन हो गया है मिक्स गरम मसाला एक चम्मच मैंने इसके अंदर शामिल किया है पिसा हुआ दरमियानी आंच पे ही मैं इसको पका रही हूँ अब गोश्त बहुत अच्छी तरह से फ्राई होना शुरू हो गया है साथ-साथ चमचा हलते हुए मैं इसके जो तमाम इंग्रेडिएंट्स थे इसके अंदर प्रेशर की मदद से वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गल चुके थे वो अब अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं और ये बहुत ज़बरदस्त सी ग्रेवी अब इसकी बन गई है और ये बहुत, बहुत मज़े का फ्राई हो फ्राई हो गया है और बहुत अच्छी लुक निकल आई है बहुत मज़े का लग रहा है अब गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार है तकरीबन अब मैं फ़्लेम ऑफ़ करने वाली हूँ ऑयल जो है वो गोश्त के ऊपर आ गया है दो से तीन अदद हरी मिर्ची भरी काट के मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं और सब्ज़ धनिया वो भी भरी काट के इसके ऊपर डाल दिया है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बहुत मज़े का बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है अब मैं फ्लेम ऑफ़ कर देती हूँ और इसको डिश आउट कर देती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज